वीडियो में आप सभी लोग देख पा रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग यहीं से, बहुत मजा। तो आज का ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सो हमारे बगल में माता रानी की जो मंदिर की पूजा ध्वजा लगवाते हैं, कोई कोई लोग मन्नत मानते हैं, तो आज वहाँ पे उनका फंक्शन है, तो जो ध्वजा लेके जा रहे हैं वो भी सब लोग। तो म्यूज़िक के कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ताकि कॉपीराइट के इश्यू ना हो, इसीलिए तो मैं अभी आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। और एक बात भी मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं इतना कीमती वक्त निकाल कर, उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। इतने हार्ड एंड फास्ट लाइफ के अंदर कुछ समय आप निकाल के देख रहे हो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपना लंबा नहीं बनाता हूँ ताकि लोगों के पास ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो लोगों के पास टाइम भी नहीं होगा, तो उतना लोग देखेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से। तो अभी खाने का टाइम हो चुका है, तो अभी मम्मी मुझे खाना परोस रही है अभी। और ये छाछ सब्जी, गुवार की सब्जी है, ये आम का अचार, सलेट और रोटी। चलिए अभी खा लेते हैं खाना। सो भी हो चुका है चाय और नाश्ता, शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 5:30। तो अभी मैं चल रहा हूँ, टेरेस पे जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे, सनसेट देखेंगे और फिर आ जाएंगे वापस। तो अभी चलता हूँ मैं टेरेस पर। जस्ट मैं अभी टेरेस पर आया था अपने, तो मैं यहाँ पे देख रहा था ये भाई साहब कौवे वाले भाई साहब तरबूज खा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डेली रखते हैं तरबूज ताकि वो खा सके, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो इन लोगों को भी पानी की ज़रूरत होगी। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा ऐसा कुछ जिनसे इन लोग की मदद हो सके, पानी की हर किसी को ज़रूरत होती है, पानी और वाटरमेलन, ताकि ये खा भी सके। कुछ खाने के लिए भी रखते हैं हम लोग, रोटी वगैरह कुछ खाते हैं वो लोग आराम से। देखो वहाँ पे भी एक दूसरा बैठा हुआ है कौवा, वो भी तरबूज ही खा रहा है, वाटरमेलन से। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, ये शर्मा के बैठ गया और वापस अभी खाना खाने के लिए बैठ चुका है। बहुत ही अच्छा सूर्यास्त हो रहा है अभी। सो अभी खाना पीना हो चुका है, मैं अभी खड़ा हूँ किचन में, तो खाना पीना भी हो चुका है, तो अभी चलते हैं। खाना खाने के बाद कुछ बाहर जाके आते हैं, कुछ चीज़ें खरीदनी है, जो शर्ट्स वगैरह लेने हैं भैया को और पापा को उनके लिए, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, तो फिर गर्मी में वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हल्के फुल्के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं उस वक्त। तो और कुछ दिखेगा चप्पल वगैरह तो वो भी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के बाद, तो चलिए। हम लोग आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, खाना खाने के बाद रात को सभी जो कुछ खुला होगा तो देख लीजिए। वैसे ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें खुली हैं, अभी मिल जाएंगे कुछ जो भी लेना है हमें। सारी लेडीज आइटम है अभी यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम आ चुका है तो वही सबसे बेटर रहेगा पहनने के लिए। बाकी अभी तो गर्मी के कारण कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, शॉर्ट्स सही रहता है। तो मम्मी भी वही देख रहे हैं अभी, रात के अभी 10 बजे में हुआ है लेकिन अभी भी पूरा मॉल ओपन नहीं है।
तो पापा को भी उनकी जो साइज़ है वो नहीं मिल रही है बरमुंडा उनके लिए, तो मेरे पास तो ऑलरेडी है। तो हम लोग आए थे स्पेशल पापा के लिए यहाँ पे खाना खाने के बाद, तो कुछ देखते हैं अभी हम लोग और भी जाएंगे अभी रात को, थोड़ा बहुत घूमेंगे, नाइट आउट करेंगे हम लोग यहाँ से, वहाँ होटल के बाद हम लोग फैमिली के साथ निकले हैं यहाँ पे ऐसे रात में। लेकिन फिर दोस्त वगैरह के साथ हम लोग घूमते हैं, लेकिन परिवार के साथ घूमने की कुछ मज़ा ही अलग है। मम्मी ये जूते कोल्हापुरी तो नहीं होंगे? नहीं, कोल्हापुरी ओनली लेदर की। कोल्हापुरी जो है ना मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले पापा हम लोग पहनते थे तो उनके बाद फिर मैंने पहनना शुरू किया, मैंने 2-3 बार पहने थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कम्फर्टेबल भी होता है। सो अभी मम्मी पापा के लिए चप्पल देख रही है, अभी कलर खाली और पेलो का आता नहीं तब 7 नंबर तो फाइनली अभी मॉल हो चुका है बंद और पापा ने अपने लिए चप्पल ले ली है, पसंद कर ली है। मैंने उनको बताया पापा ये भी आप ट्राई करिए, पूरा मॉल बंद हो चुका है, अभी सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ पे, 3 लोग नीचे, भैया ऊपर वेट कर रहे हैं हमारा। तो अभी चलते हैं ऊपर फटाफट, ऑलमोस्ट 10:30 बन चुके होंगे, वो फिर उनको भी घर जाना होगा, तो अभी फटाफट से बिल पे करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। गर्मी का मौसम आ गया क्या है, यानी गर्मी के लिए इंतज़ाम करना लोगों ने शुरू कर दिया है। कैंची वगैरह घर की कुछ सामान, अभी आपको कुछ लेना है टोस्टर वगैरह कुछ? नहीं अभी नहीं, ऐसा रहेगा तो चलिए यहाँ से निकलते। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर, मॉल से कुछ जो कुछ शॉपिंग करनी थी, चप्पल वगैरह ली है और भैया ने उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए हैं। तो अभी बज चुके हैं 11, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। टिल देन डाडा बाय बाय, स्टे ट्यून। जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये शर्मा गया, अरे भाई थोड़ी देर जैसे